लुगेज मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। पुनीत सुपरस्टार की थी नहीं गलती भाई, ये गए थे बाथरूम सबसे पहले। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी गंद मचाता है एक्चुअली में वो तो गंदा ही कहलाता है। पुनीत सुपरस्टार ने बाथरूम में जो है पॉटी कर दी और वो चीज जो है सबने देख ली, जो कि काफी बड़ा भमाल हुआ। पर पुनीत ने ये बार बार ये बात बोली कि ये मैंने नहीं किया। हालांकि पुनीत एक जगह पर ये भी चीज हमेशा कहते हुए नजर आए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि अपनी चीजें वो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ये चीज वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए। अभी अंदर की खबर हमारे हाथ ये लगी है कि पुनीत सुपरस्टार को अभी घर नहीं भेजा गया है, पुनीत को अभी होटल रूम में ही रखा गया है। मेकर्स की टीम जो है उनसे बात कर रही है और बताया ये जा रहा है, खबर ऐसी आ रही है कि सलमान खान के सामने जो है पुनीत सुपरस्टार को पेश किया जाएगा और उनसे माफी भी मंगवाई जाएगी और उनसे काफी सारी बातें की जाएगी। इसी दौरान ही अभी पॉटी किसने की थी ये खबर सामने निकल के आई है। भाई मैंने जो है बारीकी से कल का एपिसोड भी देखा, बारीकी से जो है लाइव भी देखा, क्योंकि एपिसोड में ये इतनी बारीकी नहीं दिखाई जाती है। मैंने लाइव बहुत ही बारीकी से देखा, जहां पर मुझे एक चीज का डाउट हुआ कि पुनीत से पहले सबसे पहले जो है साइरस बाथरूम में गए थे, तो साइरस जो कि इतना ज्यादा कूद रहे थे, इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो सुपरस्टार पुनीत ने ये नहीं, साइरस ने ये काम किया है। भाई ये तो मेरे हाथ लगी है चीज, क्योंकि मैंने ही इसकी छानबीन की है। अभी जब सलमान खान पुनीत को बुलाएंगे वो इस चीज की छानबीन करके आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मुझे नहीं पता है, पर मेरी छानबीन आपको कैसी लगी जरूर बताइए। क्या पुनीत सुपरस्टार को वापस पाना चाहते हैं आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर में? भाई मैं तो चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ, मेरा विचार बदल चुका है, क्योंकि वो इंगेज रखता था। ये काफी कम पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि मतलब कुछ भी कर गुजरने पे बदली उतारू हो जाती हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।